बात बच्चों, पिछले क्लास में हमने देख कर खाओ भाई यहाँ पाठ की शुरुआत की थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला था कि विहान और रोमी और उसके मामा के आने के बाद, मामू के आने के बाद कलकत्ते से, उसने क्या क्या खाया था। कचौड़ियाँ, रसगुल्ले और अमरूद, ऐसा कुछ बहुत सारा खाया था। इसके वजह से उसका पेट का स्वास्थ्य बिगड़ गया था। तो यहाँ पे आगे हम देखेंगे, देखिए। ठीक है, माँ को देखते ही रोमी सुबकने लगा। माँ, पेट बहुत दर्द हो रहा है, माँ पेट में बहुत दर्द हो रहा है। माँ ने पेट दबाकर देखा, बहुत सख्त लग रहा था, यानी कि हार्ड लग रहा था, फूल गया था, यानी कि हाँ सॉफ्ट नहीं था, एकदम फूला हुआ था। उन्होंने डॉक्टर आनंद को फ़ोन किया। डॉक्टर आनंद तुरंत वहाँ पहुँच गए। उन्होंने रोमी को जांच की और मुस्कुराते हुए बोला, लगता है बेटा कुछ आवश्यकता से अधिक ही खा गया है। तो उसने क्या किया है, आवश्यकता से अधिक ही क्या खाया है, यानी कि जितना पेट है उतना नहीं खाना चाहिए था, जितना नहीं खाया था उससे ही अधिक उसने खाया था। तो उसने क्या कहा डॉक्टर ने, कि अधिक आवश्यकता से अधिक ही इसने खाया है। रोमी की हालत दर्द के कारण ख़राब थी। उसके पेट में तो कचौड़ी, रसगुल्ले, आलू के पराठे, अमरूद ने घमासा मचा रखा था। क्या क्या खाया था उसने, कचौड़ियाँ, रसगुल्ले, अमरूद, आलू के पराठे, सब कुछ खाया था उसने। ठीक है, इसके वजह से घमासान मच गया था। आंसू से आंसू बहने लगे। विहान झट से बोला, अंकल यहाँ पूरा पेटू है, यानी कि बहुत सारा खाने वाले को हम क्या कहते हैं, पेटू, यहाँ तो पेटू है। आज इसने चार कचौड़ियाँ, देखिए वहाँ पे क्या क्या बोल रहा है उसका भाई, चार कचौड़ियाँ, पांच रसगुल्ले, एक अमरूद, तीन आलू के पराठे। क्या क्या खाया था, चार कचौड़ियाँ, पांच रसगुल्ले, एक अमरूद और एक तीन आलू के पराठे खाए हैं। और तभी उसकी माँ कहती है, तुम चुप रहो, डॉक्टर देख रहे हैं ना। तो क्या कहती है, तुम चुप रहो, डॉक्टर देख रहे हैं ना। माँ ने विहान को डॉक्टर से चुप कराया, माँ ने डॉक्टर से उनसे चुप कराया। डॉक्टर आनंद ने रोमी को इंजेक्शन दिया तो दर्द में थोड़ा आराम हुआ। उन्होंने रोमी को कहा, देखो बेटा, खाने के विषय में बहुत सचेत रहना चाहिए, पेट शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, इस पर अधिक बोझ डालना ठीक नहीं है, उतना ही खाओ जितना आराम से पच जाए, यानी कि हमें कितना खाना चाहिए, जितना हमें ठीक लगे, हमारे पेट को दर्द ना हो, इतना ही हमें खाना चाहिए, लिमिटेड खाना चाहिए। ज़्यादा खाने से क्या होता है, स्वास्थ्य खराब होता है। तो उसने क्या कहा कि डॉक्टर ने क्या कहा कि हद से ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, जितना पेट को पचन होता है उतना ही खाना चाहिए। यदि समझो घाघर में पानी भर गया तो वो यदि फुल भरने के बाद उठाने के लिए जाओगे तो वो गिर पड़ेगा ना, पानी उसमें से गिर पड़ेगा ना। उसी तरीके से यदि पेट फुल हो गया तो वो डाइजेशन के लिए जगह तो चाहिए ना हमें, होगा तो हमें क्या करना है, खाने के समय पे भी ध्यान रखना है कि हमें कितना खाना है और ये खाने के बाद पचता है कि नहीं, इसका भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, देखिए दादी ने प्यार से रोमी को समझाया, बेटा पेट कचौरी की पेटी नहीं, माफ़ कीजिए, पेट कचौरी की पेटी नहीं है कि कुछ भी डालते जाओ। यहाँ पे पेट एक कचौरी की
कचरे की पेटी नहीं, यहाँ पे कुछ भी डालते जाओ। खाने का बचपन से ही ध्यान रखना चाहिए, खाने का बचपन से ही ध्यान रखना चाहिए। स्वादिष्ट वस्तु देखते ही खाने के लिए उपलाना नहीं चाहिए। पेट मशीन के समान है, जैसे अधिक काम लेने से मशीन खराब हो जाता है, उसी तरह अधिक खाने से पेट भी बीमार हो जाता है। तो उसकी दादी ने उसको क्या समझाया, मैंने आपको बताया कि जैसे कि उदाहरण मैंने घाघर का दिया पानी में डाल के पानी डाला तो ज़्यादा गिर जाता है करके, उसी तरह उसकी दादी ने उसको क्या कहा कि देखो बेटा, यहाँ पे बचपन से ही आदत लगा के लेनी चाहिए, पेट जितना है उतना ही खाना चाहिए, उसमें अधिक एक खाया तो वो ख़राब हो जाएगा। उसकी दादी ने क्या कहा, पेट एक मशीन जैसा है, मशीन का वर्क काम करता है, यदि मशीन में ओवरलोड काम देते हो तो वो क्या होता है, मशीन काम करना बंद कर देता है, इससे हमें ही परेशानी उठानी पड़ती है। उसी तरह ही पेट भी है, पेट में ज़्यादा सामान ठूसने से पेट का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, लिमिटेड खाना है, जितना आप पचा सके, ठीक है। मैं अभी ऐसी भूल नहीं करूँगा, जब ठेस लगती है तो अकल आती है ठिकाने पे। मैं अभी ऐसी भूल नहीं करूँगा, रोमी बार बार कहने लगा। उसने निश्चय किया कि आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। उसे सोच में पड़ा देखकर विहान मुस्कुराया और बोला, देखकर खाओ भाई। तो उसको उस सोच में और टेंशन में रहते हुए देखकर उसके भाई ने क्या बोला, देखकर खाओ भाई, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए करके उसके भाई ने उसे कहा। तो यहाँ पे क्या सीख मिलती है कि खाने के लिए भी मना नहीं करना है, खाना है लेकिन लिमिटेड या आवश्यकता अनुसार उतना ही खाना है। खाने के लिए ही जीना है ऐसे नहीं, जीने के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ खा लेना चाहिए, लेकिन इतना परंतु इतना भी नहीं है कि आपका स्वास्थ्य खराब हो सके, ठीक है। खाना बहुत ज़रूरी है आज के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए, खाने के समय ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कन्नड़ में बता देती हूँ। ರೋಮಿ ಮತ್ತು ವಿಹಾನನ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಾಮು ಬರುವಾಗ ಕಲ್ಕತ್ತೆಯಿಂದ ರಸಗುಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಕಚೋರಿಯನ್ನು ತಂದಿರ್ತಾನೆ. ರಾಮು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗಬ ಗಬ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ತಿಂತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೆರಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆಟ ಆಡಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಕಚೋರಿಯನ್ನು ತಿಂತಾನೆ. ಕಚೋರಿ ತಿಂದಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ತಾನೆ. ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕೂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕುಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಹೋಗಿ ಅವನು ಕಿಚನ್ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಜ್ ಹತ್ತದ, ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ರಸಗುಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ತಿಂತಾನೆ ನಾಲ್ಕೈದು. ಅದು ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಆವಾಗ ಪೇರು ಹಣ್ಣು ಸಿಗ್ತದೆ, ಆ ಪೇರು ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ಅವನ ತಿಂತಾನೆ. ಅದು ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಮೇಲೆ ಮೂರು ಆಲೂ ಪರಾಠೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಟಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಲಟ್ಟಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಆಲೂ ಪರಾಠೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂತಾನೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬಿ ಬಿಡ್ತದೆ, ನೋವ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ನು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕುಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದರೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮಮ್ಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಮ್ಮಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ನೋವ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತಾಳೆ. ಹೌದು ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬಿರ್ತದೆ, ನೋವುತ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂತಾನೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕರೆಸ್ತಾನೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕರೆಯೋಣ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದಾಗಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಂತ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದ ನಂತರ ಅವನ ತಮ್ಮ ಇದ್ದವನು ಹೇಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದರೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇದು ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಅಂತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ ನಂತರ ಅವ್ರ ದಾದಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅದನ್ನು ಮಷಿನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಷಿನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರನೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ನಾವು ಲಿಮಿಟೆಡ್ವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಕಹಾ ಇದು ಕಥೆಯ ಅರ್ಥ.
ನೀವು ಕೂಡ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರಿ, ಚಲೋ ಆದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಿ. ಆಯ್ತಾ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರೆದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯಿತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.